और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्योंकि राजभवन पहुंच चुके हैं, कुछ देर पहले ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, बेहद अहम मुलाकात ये राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है, क्योंकि पूरा घटनाक्रम जिस तरह से ये सत्ता संग्राम प्रदेश में चल रहा है और अब जो मंजूरी देनी है वो राज्यपाल को देनी है, सत्र बुलाने को लेकर ये पूरा पेच फंसा हुआ है और इसी को लेकर तीसरी बार प्रस्ताव दिया जा चुका है और इस लिहाज से देखें तो बेहद अहम मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ है। चलिए इसी पर बातचीत के लिए संवाददाता काशीराम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, कुछ देर पहले ही राजभवन में प्रवेश किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, बेहद अहम ये मुलाकात मानेंगे क्योंकि तीसरी बार है जब प्रस्ताव सत्र बुलाने को लेकर दिया गया है। तो तीसरी बार प्रस्ताव दिया गया था लेकिन फाइल को राजभवन ने लौटा दिया है। उम्मीद कल तक यही की जा रही थी कि अब हमने जो जवाब मांगे गए हैं उन सब का जवाब दिया गया है। तीन अहम सवाल यहां जरूर थे, तीन बिंदु थे जिन पर जवाब पेश किया गया और उसके बाद तीसरी बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अहम ये कि राज्यपाल ने तीसरी बार भी इस फाइल को लौटा दिया है और ऐसे में अब जो ये मुलाकात है वो बेहद अहम है। क्या मुलाकात होती है, क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल को कन्विंस कर पाते हैं, क्या राज्यपाल जिन कमियों की बात कर रहे हैं या जिन नियम कानूनों की कानून की बात कर रहे हैं क्या वो यहां पर सफल हो पाएंगे राज्यपाल को कन्विंस करने में। तीसरी बार लौटाई गई है ये फाइल, विधानसभा सत्र आहूत करने की फाइल लौटाई गई। काशीराम चौधरी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, तीसरी बार ये जो प्रस्ताव दिया गया था इस फाइल को लौटा दिया है राज्यपाल कलराज मिश्र ने और उसके बाद अब मुख्यमंत्री की राज्यपाल के साथ मुलाकात। तो विधानसभा सत्र आहूत करने की फाइल लौटाई है, यहां पर इस बार भी राज्यपाल कलराज मिश्र ने आपत्तियां जताई, यानी कि जो तीन बिंदु की बात कही जा रही थी जिस पर जवाब पेश किया गया है, कैबिनेट में सहमति बनी, इसके बाद ये प्रस्ताव भेजा गया राज्यपाल के पास और उम्मीद ये की जा रही थी कि अब राज्यपाल परमिशन दे सकते हैं क्योंकि जो कमियों की बात की जा रही थी वो पूरी कर ली गई है, लेकिन एक बार फिर से इस फाइल को राज्यपाल कलराज मिश्र ने लौटा दिया है, आपत्तियां उन्होंने इस पर जताई हैं। इस बार भी राज्यपाल कलराज मिश्र ने आपत्तियां जताई। अब ऐसे में जब ये स्थिति बन रही है, मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे हैं तो ये मुलाकात इस लिहाज से बेहद अहम है। तीसरी बार इस फाइल को लौटाया है राज्यपाल कलराज मिश्र ने और चलिए एक बार फिर हम कोशिश करते हैं सहयोगी काशीराम से जुड़ने की। काशीराम, बेहद अहम ये मुलाकात इस लिहाज से है क्योंकि उम्मीद कल तक यही थी कि अब प्रस्ताव दिया गया है, सभी कमियों को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन राज्यपाल ने तीसरी बार राज्य सरकार की फाइल लौटाई है। जी सर, तो बिल्कुल, देखिए तीसरी बार ये फाइल लौटाई है और इस बार भी आपत्तियां जताई गई हैं जैसी कि जानकारी मिल रही है, और सबसे बड़ी जो आपत्ति जताई है राज्यपाल कलराज मिश्र ने वो कोरोना को लेकर है कि प्रदेश में कोरोना की जो तस्वीर है वो लगातार चिंताजनक हो रही है और उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि इसी वजह से हमने 15 अगस्त को जो होने वाला कार्यक्रम है, एट होम कार्यक्रम जो होता है, उसको भी रद्द कर दिया है। उन्होंने ये जिक्र किया है अपने पत्र में कि इससे पहले जब कोरोना विधानसभा का सत्र स्थगित किया गया था 13 मार्च को, तब मात्र 2 केस थे राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के बढ़ने की वजह से और सत्र को स्थगित किया गया था, लेकिन अब जबकि 10,000 से ज्यादा केस हैं तो कैसे विधानसभा सत्र आहूत करने की अनुमति दी जा सकती है, इस बात का भी उल्लेख किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए अभी तीसरी बार फाइल लौटाई गई है तो राज्य सरकार के लिए निराशाजनक बात है और उसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि मैं राज्यपाल महोदय से एक बार सीधी स्पष्ट बात करना चाहूँगा कि किस तरह से वो क्या चाहते हैं और आगे क्या होना चाहिए। तो आप देखिए ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर पहुँच चुके हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र से उनकी मुलाकात चल रही है और थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकलेंगे तब हम उनसे एक बार जानेंगे कि किस तरह की उनकी बातचीत हुई है। हालांकि ये जरूर स्थिति स्पष्ट है कि अब जो तीसरी बार है वो आपत्तियों के साथ फाइल राज्य सरकार को लौटा दी गई है और संसदीय कार्यवाही को ये फाइल भेजी गई जिसमें कि कोरोना से जुड़ी आपत्तियां ही मुख्य रूप से राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताई हैं और साथ ही ये भी है कि इतनी जल्दी क्या है, मतलब ये भी साथ में पत्र में उल्लेख किया गया था कि इतने शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाने की जरूरत क्या है, क्योंकि इस बार भी जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, कैबिनेट ने प्रस्ताव भेजा था, उसमें यह उल्लेख नहीं था कि विधानसभा। काशीराम, बिल्कुल, अभी क्योंकि पीसीसी में संबोधित भी किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और इसे लेकर इसका जिक्र भी किया था, वो एक बार सुनाते हैं दर्शकों को मुख्यमंत्री ने इसे लेकर क्या कहा, वापस आपका रुख करेंगे। समय तो हो गया है, प्रेम पत्र आ चुका पहले से ही,
अब तो खाली मैं जा रहा हूँ उनके साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र तीसरी बार भेज दिया, आप चाहते क्या है बता दीजिए, हम उस ढंग से काम आगे करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हाईकमान पूरी आपके साथ है। और चले पर फिर से काशीराम का रुख करते। काशीराम, इस दौरान संबोधन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चल रहा था और एक जिक्र उन्होंने जरूर किया यहाँ पर कि प्रेम पत्र तो आ चुका है, अब जाकर बस मुलाकात करनी है चाय पर, यानी कि जानकारी मिल चुकी थी कि अब ये जो प्रस्ताव दिया गया उसे फिर वापस लौटा दिया है राज्यपाल ने, लेकिन इसके बावजूद भी कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री लग रहे थे और कहना यही बाकी सबके लिए मैसेज यही कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार स्थिर है। हाँ जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट हैं बहुत ही, क्योंकि उन्हें बहुमत उनके पास है और वो विश्वास मत का जो प्रस्ताव आएगा तो उसमें वो विश्वास मत साबित करेंगे, ऐसा उनका विश्वास है और उसी वजह से वो कॉन्फिडेंट हैं। और जब उन्होंने कहा कि तीसरी बार हमें प्रेम पत्र मिल गया है, यानी कि उन्होंने स्पष्ट इस बात के रूप से संकेत दिए कि उनकी जो कैबिनेट का प्रस्ताव था तीसरी बार जो भेजा गया था विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए, 31 जुलाई से विधानसभा सत्र आहूत करने का प्रस्ताव भेजा था कैबिनेट ने, उसको नामंजूर कर दिया गया राजभवन की तरफ से। और फिर से आपत्तियाँ इस बात को लेकर भी जताई गई हैं कि क्यों कोरोना काल में राज्य सरकार आनन फानन में सत्र बुलाना चाहती है। पिछला जो देखिए जो पत्र लिखा था राज्यपाल महोदय ने, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि यदि राज्य सरकार विश्वासमत साबित करना चाहती है, बहुमत प्रस्ताव लाना चाहती है तो इसका उल्लेख करे उसमें और उसके आधार पर शॉर्ट नोटिस में वो सत्र बुला सकते हैं, यानी उन्होंने राज्य सरकार को ये हिंट दिया था कि इसका उल्लेख किया जाए। और ऐसे में बेहद अहम ये मुलाकात है, हालांकि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि सिर्फ चाय पर है लेकिन चर्चा तो होगी और क्या यहाँ पर राज्यपाल का मन बदलता है और आगे क्या कदम होता है मुख्यमंत्री का सरकार का, वो भी बेहद अहम होगा सत्र बुलाने को लेकर। बहुत शुक्रिया काशीराम आपका इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।